और जब आप इसमें हल्का सा बोलेंगे तो इन पाइपों के माध्यम से ऊपर और नीचे आवाज जाएगी, जो कि गुप्तचर का काम भी करती है। धनुष लेकर उनके सैनिक तैयार होते थे, जैसे वो गर्दन झुकाएगा तो उनके जो सैनिक थे उनकी गर्दन को भी काट देते थे। उन्होंने अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी पे लटकाया था। आठों रानियों ने जो जोहर किया था वो इसी स्थान पे किया था। ये इसका एक छोटा सा कक्ष, एक रूम है ये। अब हम चलते हैं भूल भैया की उन गलियारे के अंदर, जो पूरे का पूरा हमें काफी पजल कर देगा। और सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अट्रैक्शन का पॉइंट है वो यही है। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। आप जैसे ही अंदर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको राइट लेफ्ट की तरफ जाने के लिए कुछ सीढ़ियां दिखाई देंगी। इस तरफ आप देखिए, आपको सीढ़ी दिखाई दे रही है। बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इनके द्वार छोटे होने का एक लॉजिक होता था, वो भी मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। ये रोशनी के लिए, एयर के लिए बनाया गया था ये वाला होल है। एक रास्ता सामने की तरफ भी बना हुआ है आपका। दोस्तों ये वाला जो पैलेस हुआ करता था, ये रानियों के लिए एंजॉय का कक्ष होता था, यानी कि जो उनकी आठ रानियां थी वो यहां पर अपना झूला टांग के रखती थी। आप सबसे पहले इनके अंदर बनी हुई इन कड़ियों को देखिए। ये जो कड़ियां हैं ये उसी वक्त की, यहाँ पे झूले लगे होते थे और ये आठ है टोटल, 1, 2, 3, क्योंकि अष्टकोणीय पूरे का पूरा बनाया गया है। ऊपर का नजारा आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये एयर के लिए, रोशनी के लिए। और दोस्तों ये है उस समय का प्राचीन टेलीफोन। 1486 के समय में ये टेक्निक यहाँ बनाई गई थी। यहाँ पे हवा आती है और जब आप इसमें हल्का सा बोलेंगे तो इन पाइपों के माध्यम से ऊपर और नीचे आवाज जाएगी, जो कि गुप्तचर का काम भी करती है। ऐसी टेक्निक आज के समय में देखकर हम दंग हो जाते हैं कि 500 वर्ष पहले ऐसी चीजें भी बना करती थी। हम यहाँ से चलते हैं, आइए देखिए, ये इसका नीचे जाने का रास्ता है। मेरे को चमगादड़ों की आवाज देखो अभी भी आ रही है। अंदर आइए आप। सबसे पहले आप यहां पे राइट का नजारा देखिए। अब हम आ गए हैं राजा के उस पैलेस में जहां पे राजा रहते थे। बीच में राजा का झूला लगा हुआ रहता था और राजा यहां से अपनी प्रजा को भी देखते थे। और सबसे कुछ जो बारीकियां वो ये हैं कि जो इनके गेट हैं वो काफ़ी छोटे हैं, और छोटे होने के पीछे की जो वजह है वो है कि जब कोई भी व्यक्ति यहाँ से आएगा तो उसको थोड़ा सा सजता, यानी कि झुक के अंदर आना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का फील होता था कि भाई खतरा है, तो यहाँ पे उनके सैनिक खड़े रहते थे। जैसे वो गर्दन झुकाएगा तो उनके जो सैनिक थे उनकी गर्दन को भी काट देते थे। और यहाँ से बाहर का नज़ारा भी दिखता है। और यहाँ से देखिए, आपको मैं नज़ारा दिखाता हूँ बाहर का। यहाँ से वो अपनी सेना को भी निगरानी में रखते थे, देखते थे। यहाँ से वो अपनी रानियों का दीदार करते थे, क्योंकि यही वाला वो हिस्सा है जहाँ पर उनकी रानियाँ स्नान करती थी। केसर कुंड नीचे बना हुआ है। इतिहास की बहुत बारीक बात, इसी किले के अंदर बाद में मुगलों ने इसे अपना एक ऐसा स्थान बनाया जहां पर 52 राजाओं को भी कैद किया और कैदियों को फांसी की सजा भी दी थी। जब औरंगजेब का जब इस किले के ऊपर कब्जा हुआ तो उन्होंने अपने भाई मुराद को यहीं पर फांसी पे लटकाया था। और ये जो ऊपर काले वाला पेंट आप देख रहे हैं, पहले ये ब्लू कलर का हुआ करता था, बाद में इसको काले रंग का करवा दिया गया था। और ये इतिहास का एक ऐसा सच है जिसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता। अब चलते हैं नीचे की तरफ, आइए। यहाँ से जब आप देखेंगे तो सामने के पहले पूरे व्यू को आप देख लीजिए, जो कि शानदार है, लेकिन सुरक्षा उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी वक्त पहले ग्लास लगे रहते थे जो रिफ्लेक्शन का काम करते थे, और जब कोई भी कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आता था तो जो यहाँ पर धनुष लेकर उनके सैनिक तैयार होते थे वो खतरा महसूस करते ही उनको उस तीर से मार देते थे, क्योंकि उनके तीर के आगे पॉइजन लगा हुआ होता था। अब हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हमें फाइनल एक ऐसा हिस्सा दिखाई देगा जो बहुत ज्यादा अद्भुत है।
ये वाला जो कक्ष है ये उन 8 रानियों का केसर कुंड हुआ करता था। वर्तमान समय में यहाँ पर जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ये इन एक्चुअली में इतना चौड़ा नहीं था, 8 फिट गहरा बना हुआ था और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन यहाँ तक थी। आप देख सकते हैं इसको थोड़ा आज के समय में पूरा भर दिया गया है रबल के साथ में। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये बनती है कि 1523 के समय में इब्राहिम लोदी ने अपना यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो उसी वक्त 8 रानियों ने जो जोहर किया था वो इसी स्थान पे किया था, जिस वजह से इस स्थान को आज के समय में भर दिया गया है। आप इस पूरे नज़ारे को देख सकते हैं, काफ़ी सेफ्टी के साथ में बनाया तो ज़रूर गया था लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग शासकों ने यहाँ पर अपना शासन किया। यहाँ पर कुल मिलाकर 2 इस प्रकार के जो यार्ड्स बने हुए हैं, 2 अलग अलग कक्ष पैलेस बने हुए हैं। ये उस समय का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर की कुछ विशेषता हम देखते हैं। 3 यहाँ पर मुख्य गेट बने हुए हैं और इन तीनों गेटों के ऊपर वाले हिस्से में लोटस फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे और इस लोटस फ्लावर का कुछ बारीकियाँ हैं जो इसके इस पिलर पर देखने को मिलेंगी। जब आप सबसे पहले अपनी नज़र को इधर लेकर जाएंगे तो ये जो ओम आपको दिख रहा है ये स्टैंड पर बना हुआ है, ये ओम। इसके बाद ये जो तुलसी लीव्स हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। ये चक्र यहाँ बनाया गया है, पूरा इसी पैटर्न में बना हुआ है। ये कॉर्नर वाले हिस्से में जो क्या कहते हैं फ्लावर होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको यहाँ दिखाया गया है। और जो सबसे प्रमुख चीज़ है वो ये है कि जो आप राइट और लेफ्ट में हाथी देख पा रहे हैं ये ताकत के लिए शो होते हैं। उसके नीचे जो आप देख रहे हैं रुद्राक्ष की माला बनी हुई है, ये इस सिक्वेंस में ये लोटस के फ्लावर बनाए गए हैं। यहाँ पर भी रुद्राक्ष की माला बनी हुई है ये, जो कि पूरे इसको शो करते हैं कि पवित्र चीज़ें मंदिर जिसको बोलते हैं। ये जो था उनकी नानी का मंदिर था। यहाँ पर जो आपको ये टोटल होल दिखा दे रहे हैं 33 हैं ये, यानी कि 33 हैं ये। और ये जो जितने भी होल हैं ये उस समय के उनके जो 33 कोटि देवी देवता हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। किसी वक्त पहले यहाँ पर भगवानों की देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई होती थी लेकिन निकाल ली गई है। और ये जो पूरा डिज़ाइन आप यहाँ देख रहे हैं पूरे का पूरा जो बना हुआ है ये, किसी वक्त पहले इसके अंदर लगे हुए थे हीरे जवाहरात मोती और ये चमकता था पूरे का पूरा। लेकिन जब 1523 में इब्राहिम लोदी यहाँ पर आए तो उन्होंने इस वाले हिस्से में पूरे के पूरे जो जवाहरात थे वो निकाल लिए थे। ऊपर वाले हिस्से में आपको कुछ यहाँ की खूबियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे कि सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपको कड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और जलते हुए जो चिराग होते हैं, जो लैंप होते हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नीचे रुद्राक्ष की माला देखने को मिल रही है और ये जो लीव्स बनाई गई हैं चारों तरफ। ये जो होल बने हुए हैं यहाँ पे, इस होल के बाहरी हिस्से में परिक्रमा करने के लिए काम में आता था ये। इसके अंदर ना कुछ खासियत है, जो सबसे बारीक बातें वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इस पूरे के पूरे इस चक्कर को देख लो, उसको व्हील सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं। यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको देखने को मिलेंगे, एक ट्रायंगल आपका ये वाला बना हुआ है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये वाला बना हुआ है। 3 यहाँ पर मेल गॉड और 3 यहाँ पर फीमेल गॉडिस हैं, देवी देवता हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्रह्मा विष्णु महेश और जो उनकी वाइफ होती है, जैसे कि शिव भगवान की पार्वती, विष्णु भगवान की लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की सरस्वती, तो उनको पेयरिंग करके यहाँ बिल्कुल बनाया गया है इस प्रकार से। आप जो देखेंगे 1, 2, 3 बीच में लोटस फ्लावर है, ये जो ब्रह्मा जी को चढ़ता है, लोटस फ्लावर विष्णु भगवान को चढ़ता है। ये त्रिशूल की आकृति दी गई है क्योंकि वो शिव भगवान का एक अस्त्र, एक औजार होता है। और इस पूरे सर्कल के साथ में जो ब्रह्मा जी के बेटे थे मनु, उन्होंने उस समय 4 वर्णों में लोगों को डिवाइड किया था, जैसे आज के समय में हम डिवाइड करते हैं उनकी जाति के आधार पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऊपर की तरफ आपको जो पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है ये ओम बनाया गया है, ये वाला ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को सबसे ऊपर रखा गया है। नीचे की तरफ जो पूरा ताज बना हुआ है ये उन राजाओं का ताज है। ये कुछ और बारीकियां मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो कॉर्नर में डिज़ाइन देख रहे हैं इसमें देखिए मिक्स जो एनिमल है वो दिखाए गए हैं। हाथी का मुख बनाया गया है, जो बीच वाली गर्दन है वो लॉयन की बनाई गई है, बीच वाला हिस्सा घोड़े का है, जो नीचे वाले जो पैर है वो टाइगर के बनाए गए हैं। इसी प्रकार से ये जो इनका कक्ष था, इस कक्ष की मैं आपको खासियत दिखाता हूँ। आइए अंदर की तरफ, आप यहाँ आइए, पहले आप इस कक्ष के नज़ारे को देख लीजिए, इसकी कुछ जो बारीकियाँ हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ऊपर के पूरे इस हिस्से को देख सकते हैं, तो ये उनकी जो रानियाँ थी उनका पैलेस था ये वाला। एक्चुअली में जो उनकी 8 रानियाँ थी ना वो यहाँ पर रहती थी और इस वाले हिस्से से ना वो बाहर की तरफ देखा करते थे।
जो भी आम सभा में चीजें हुआ करती थी, तो आप अपनी नजरों को जब बाहर की तरफ लेकर जाएंगे तो सारे का सारा बाहर का नजारा आप यहाँ से बखूबी तरीके से देख सकते हैं। देखिए, इसके एक वॉल की तरफ आपको यहाँ पर ये मोर पिकॉक दिखाई देगा, हमारा नेशनल जो बर्ड होता है, गणेश भगवान के भाई कार्तिकेय की जो वाहन सवारी होती है वो है। चलते इसके दूसरे यार्ड में, चलिए। जो यहाँ पे दो यार्ड बने हुए हैं, एक क्लासिकल डांस के लिए था वो वाला, ये वाला फोक डांस के लिए इस्तेमाल में आता था। ये राजा का प्राइवेट पैलेस हुआ करता था, यहाँ पे उनके जो परिवार के लोग हैं वो इकट्ठे हुआ करते थे। और आप यहाँ पे पैलेस का जो पूरे का पूरा नजारा है वो देख लीजिए। ये ड्रेन सिस्टम के लिए बनाया गया ताकि जो सीधी बारिश इनकी दीवारों पे ना लगे। देख सकते हैं कलाकृति का कितना ध्यान रखा गया है। और कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूँ, आइए एक बार। आप ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर किसी समय मिरर लगे रहते थे और इनके ऊपर दिए जलते थे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उस हिस्से में जहाँ पर नेचुरल तरीके से एसी बनाई जाती थी, वो आप यहाँ देखेंगे। आइए, सबसे पहले आप राजा के इस पूरे के पूरे पैलेस को देख लीजिए, कक्ष को देख लीजिए। ऊपर की तरफ लोटस बनाया गया है और आप चारों तरफ इनकी दीवारों पे देखिए कितने शानदार तरीके से बारीक नक्काशी की गई है, फ्लावर बनाए गए हैं, सूरजमुखी का पौधा यहाँ पे बनाया गया है। और देखिए, जो राजा थे उनकी दो सेना हुआ करती थी, एक उनकी जो आर्मी थी वो बाहर खड़ी रहती थी। तो राजा अपनी सेना को कैसे देखते थे, वो यहाँ से बाहर की तरफ देखा करते, जो उनकी आम सेना हुआ करती थी। आज वर्तमान में ग्वालियर का नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। और इसी के साथ में उस समय का जो नेचुरल एसी होता था वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए इधर, आपको यहाँ पर दो होल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एक घास टंगी होती थी और पीछे इन चार होल के अंदर पाइप सिस्टम बनाया गया था लकड़ी का। एक बंदा था जो नीचे से इस होल में से लकड़ी को पुश करता था, जिसकी हवा उस कर्टेन पे लगती थी और वो कर्टेन जब आगे पीछे हुआ करता था तो उससे इस पूरे कमरे के अंदर ठंडक बनती थी। दोनों तरफ बना हुआ है, साथ में यहाँ पे चंदन की लकड़ी टांग देते थे ताकि कमरे में खुशबू भी बनी रहे। ये उस समय का नेचुरल तरीके से बनने वाला एसी का सिस्टम हुआ करता। तो यहाँ वाले हिस्से में जो राजा का होदा लगा रहता था, यानी कि जो हाथी था वो यहाँ खड़ा होता था और जो राजा थे वो यहाँ से बैठा करते थे। वर्तमान में यहाँ पे तोप भी रखी गई है उसी समय की है। यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर के पैलेस को कवर करके मैं बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने को मिली हैं। अब दोस्तों हम जा रहे हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि ग्वालियर दुर्ग के अंदर ही पड़ता है। वहाँ पर आपको नया हिस्सा इसका दिखाने वाले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए और वेट कीजिए अगले भाग का।